गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, ये आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है हमारा 46 और उसकी डेट है 19/10/20। और जो ये हमारी जो वर्कशीट है, आज हमारी जो वर्कशीट है वो साइंस की है और 9th क्लास की बच्चों के लिए हमारी आज की वर्कशीट है, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर चल रहा है हमारा टिश्यू चल रहा है, जिसे हम उत्तक बोलते हैं। और इसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, इससे पहले हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था। सिंपल टिश्यू क्या था? सिंपल टिश्यू हमारे तीन टाइप के थे, कौन सा था? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, तो हम जो पेरेनकाइमा हम पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब क्या है जिज्ञासा दीदी, व्हाट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड व्हाट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। जो ये बच्चा है ये क्या है, अपनी दीदी से सवाल पूछ रहा है कि प्लांट को जो है फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचक कौन देता है, और इसको जो स्ट्रॉन्ग होता है, इसको मतलब कठोर बना स्ट्रॉन्ग बनाता है मतलब स्ट्रॉन्ग, उसको वो कौन देता है। तो ये अपना ये क्वेश्चन ये जिज्ञासा दीदी से ये पूछ रहा है। एंड ये जो जवाब देती है, रिप्लाई करती है क्या है, ज्ञान, एज वी नो दैट अलोंग विद द पेरेनकाइमा देर आर कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट सेल। मतलब प्लांट, तो ये क्या कह रही है कि ज्ञान, पेरेनकाइमा के साथ साथ जो हम क्या है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है सिंपल टिश्यू प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। हमने पहले आपको बताया क्या था कि जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कितने होते हैं, तीन होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का जो हम के बारे में हम इससे पहले प्रीवियस वाली जो वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, उसको आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं या इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा क्या है, फिर आगे हम पढ़ते हैं क्या है, और पैरन जो हमारा जो ये परमानेंट टिश्यू बन रहा था वो कैसे बन रहा था, जो वो लॉस्ट हो गई थी, जो सेल जो लॉस्ट कर अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की जो एबिलिटी जिन सेल ने खो दी थी, उससे क्या बनता था, हमारा परमानेंट टिश्यू बन रहा था। फिर क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। फर्स्ट का जवाब क्या दे दिया उन्होंने कि फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कौन देता है, कोलेनकाइमा। एंड द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मेक्स देम हार्ड एंड स्टिफ, और हार्ड और स्टिफ कौन बनाता है, वो बनाता है स्क्लेरेनकाइमा। तो ये जो बच्चा है, ज्ञान का जो जवाब है, दोनों मिल गए, क्या फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है कोलेनकाइमा, एंड द मेक प्लांट को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, वो है स्क्लेरेनकाइमा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इंडिविजुअली हम क्या है कोलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट किस लिए यूज़ हुआ है, ये कोलेनकाइमा के लिए यूज़ हुआ है। क्या है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। क्या है ये, कहाँ पे मिलता है ये क्रॉस सेक्शन लीफ के, जब हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे उसको तो कहाँ मिलेगा हमें, स्टॉक लीफ के स्टॉक के बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के हमें क्या है वो नीचे मिलेगा हमको। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, हमारा ये डायग्राम है कोलेनकाइमा टिश्यू का। ठीक है, जब भी आपके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपको जो है डायग्राम बनाना चाहिए, इससे आपका क्या है जो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आपका क्वेश्चन होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू मतलब कोलेनकाइमा टिश्यू आर लिविंग एंड इलोंगेटेड। लिविंग होती है मतलब जीवित होती, और इलोंगेटेड लंबी होती, जैसे इसमें दे रखा है हमारे सेल्स, सेल वॉल्स आर इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर। जो सेल वॉल होती हैं इसकी, सेल वॉल थिकेंड एट इरेगुलर, ये जो आपका थिकर दिखाई दे रहा है, थिकेंड मतलब थिक होती हैं यहाँ से, जैसे आपके दिखाई दे रही है, जैसे इसमें भी थिक होती हैं, एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे, ये भी आपका जो कॉर्नर है ये कॉर्नर है और आपका ये भी कॉर्नर है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टीन, किसके डिपोजिशन के कारण, पैक्टीन के कारण, ड्यू टू दिस डिपोजिशन देयर इज़ अ वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस इन दैम। और इसी टिश्यू के कारण, कौन सा मतलब इसी के डिपोजिशन के कारण, किसके, पैक्टीन के डिपोजिशन के कारण ही इसमें जो है बहुत ही लिटिल इंटर सेलुलर स्पेस होता है। जैसे आपको जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही सट सट के जो ये सेल्स हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये जो इनमें जो है बहुत ही कम नाम मात्र को आपके इसके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। जो प्लांट को जो फ्लेक्सिबिलिटी, कोमलता मतलब लचक जो देता है, जैसे आपकी हवा चलती है तो आप देखते होंगे कि आपके जो प्लांट है वो इधर इधर हिलते डुलते रहते होंगे और तब भी वो टूटते नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कोलेनकाइमा टिश्यू दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। नेक्स्ट क्या है, इट आल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या है प्लांट को देता है।
तो ये आपका कोलन कायमा टिश्यू के बारे में था कि ये जो है लीविंग होती हैं और ये कहाँ ऑब्जर्व होती है, ये हम इसको देख सकते हैं इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक्स डाउन बिलो द एपिडर्मिक्स एंड दीज सेल्स आर द लीविंग एंड इलोंगेटेड एंड द सेल्स वॉल आर इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर मतलब थिकेंड ड्यू टू द थिकेंड ऑफ पैक्टीन एंड दिस टिश्यू कोलन कायमा टिश्यू गिव्स द फ्लैक्सीबिलिटी टू द प्लांट एंड द प्रोवाइड फ्लैक वो मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ये हमने कोलन कायमा के बारे में पढ़ा और जब भी आपसे क्वेश्चन आए कोलन कायमा के बारे में तो आप ये डायग्राम जरूर बना देंगे, ठीक है ना। ये क्या थिक वाल थिक सेल वाल या आप जो आपको थिक सेल वाल दिख रही है वैक्यूल्स जो आपको ये खाली जगह दिखती है वैक्यूल्स न्यूक्लियस और सेल वाल। नेक्स्ट हमारा जो टिश्यू है हमें क्या पढ़ना है वो स्क्लेरन कायमा। क्या पढ़ना है? स्क्लेरन कायमा। ये भी क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है, एक डिफरेंट काइंड है। कौन सा? स्क्लेरन कायमा। अब इसको हम क्या करते हैं कि मैच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड लॉन्ग एंड नैरो। जो इस टिश्यू की जो मैच्योर हो जाती हैं सेल मैच्योर वो कैसी होती हैं? वो डेड होती हैं मतलब मरी हुई होती हैं, लॉन्ग होती है और नैरो। नैरो मीन्स बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में। देखो आप देखेंगे इसको भी तो ये क्या है, ये ल्यूमन जो इसका दे रखा है ये ऐसे है, ये इस यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही नैरो है, बहुत ही मतलब नैरो कहता है नैरो गलियाँ, बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ, उस हिसाब से जो इसमें जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, नैरो होता है। और ये क्या है? लॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेल वॉल्स ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम्ड लिग्निन ड्यू टू विच देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट इन दैम। ये वाले टिश्यू भी हैं, इनकी जो सेल वॉल है ये भी क्या है? थिकन होती है। कौन से केमिकल डिपोजिशन के कारण? लिग्निन डिपोजिशन के कारण भी है क्या? ये क्या है वो, ये थिकेंड हो जाती हैं ड्यू टू विच देयर इज़ नो इंटरसेलर स्पेस इन दैम, और इनमें कोई भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होता। आपने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि कोलन कायमा टिश्यू में भी यहाँ पे भी क्या है, इसमें भी इनकी जो सेल होती है कॉर्नर पे क्या होती है? थिकेंड होती है। किसके कारण? पैक्टीन के कारण। लेकिन जो आप स्क्लेरन कायमा पढ़ रहे हैं वो किसके कारण पढ़ रहे हैं? वो लिग्निन के कारण। और इनमें भी क्या है, इनमें तो जो स्क्लेरन कायमा इनमें तो बिल्कुल भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। ये आपके डिफरेंस है, ये आपका क्वेश्चन बाद में भी कि डिफरेंस लिखें, ये आप इनके डिफरेंस में लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है? इट मेक्स द प्लांट हार्ड स्टिफ एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये प्लांट को क्या है? हार्ड बनाता है, स्टिफ बनाता है और स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड अराउंड वास्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट्स सीड्स नट्स हस्क ऑफ कोकोनट इज आल्सो मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। अब ये बता रखा है कि ये टिश्यू कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। और जो आप नारियल देखते हैं नारियल के ऊपर जो आपको वो हस्का होता है ना ब्राउन ब्राउन सा, वो भी किससे बना होता है? स्क्लेरन कायमा में बना होता है। जो आप सपोटा मतलब आप चीकू खाते हो उसमें आपको कुछ कच कच की आवाज़ आती होगी, वो भी क्या है? इसी स्क्लेरन कायमा टिश्यू, वो भी इसमें प्रजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या? इट इज़ अ टू टाइप। ये जो हमारा स्क्लेरन कायमा टिश्यू है वो टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फाइबर और स्क्लेरेट्स। कौन सा? फाइबर और स्क्लेरेट्स, ठीक है। तो ये आपका जो है स्क्लेरन कायमा के बारे में आपको पूरा जो है बता दिए। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्या है? नेम टू सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पेरेनकायमा टिश्यू। तो ये क्या कह रहे हैं कि पेरेनकायमा को छोड़ के दो सिंपल टिश्यू के नाम बताइए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा सिंपल टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, पेरेनकायमा कोलनकायमा और स्क्लेरन कायमा। उन्होंने और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पेरेनकायमा को छोड़ के इंस्टीट ऑफ पेरेनकायमा दो सिंपल टिश्यू के नाम बताइए, वो क्या लिख देंगे आप? कोलनकायमा और स्क्लेरन कायमा। यहाँ से आप अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा कि वेयर इज स्क्लेरन कायमा टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। अभी हमने पढ़ा कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आप यहाँ से लिख लेना। कहाँ पे? कि दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वास्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स। वेन्स ऑफ लीव क्या होता है? जो आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं ये जो कहलाती है लीफ में जो वेन्स होती है ये होती हैं वो, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट्स सीड्स और नट्स। आप यहाँ से लिख लेना। और दूसरा इसका पार्ट क्या पूछा है कि इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन आप ये लिख लेना कि इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड हार्ड एंड स्टिफ। और ये जो प्लांट को क्या है हार्ड और स्टिफ बनाता है, और क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? स्ट्रेंथ। प्लांट को ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। ये इसके क्या हो जाएंगे? ये फंक्शन हो जाएंगे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज सेल वॉल ऑफ मैच्योर
स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू गेट्स थिकन्ड के वो जो मैच्योर सेल होती है स्क्लेरेंकाइमा की वो थिक कैसे होती है, जैसे आपने अभी पढ़ा, क्यों? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, केमिकल कंपाउंड लिग्निन। आप यहाँ से लिख लेना क्या है, द सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू, दिस किसके बारे में बात करी गई है, स्क्लेरेंकाइमा के, द सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू गेट थिकन बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम्ड लिग्निन। आप यहाँ से लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू विच देयर इज़ नो सेल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि वेयर इज कोलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, कि जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो प्लांट में कहाँ मिलता है और इसके फंक्शन क्या हैं। हमने अभी करा, कहाँ मिलता है ये, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी सीन इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, और इसके फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन क्या है, इट गिव फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, ये क्या है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, और क्या करता है, इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। आपने दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से लिख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप जब अपने आप करेंगे क्वेश्चन को, आप वर्कशीट में से ढूंढेंगे, वो भी कि जब मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे आपके जो ये आंसर है वहाँ कहाँ से आप लिख सकते हैं, तो इससे आपका जो है आपको ढूंढने की प्रैक्टिस होगी, आप अपने आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, के स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा के बीच में डिफरेंस लिखिए। डिफरेंस आप यहाँ से लिख लेना, ये रहा इसका डिफरेंस, ये कहाँ पे मिलता है, आप ये लिख लेना, इट कैन बी ऑब्जर्व इन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, और ये कहाँ मिलता है, यहाँ पे आप ये पॉइंट हो गया आपका। आप फिर लिखने का कि ये इनकी सेल कैसी होती है, लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, और इनकी सेल कैसी होती है, डेड होती है, लॉन्ग होती है, मैच्योर होती है, इनमें भी डिपोजिशन होता है ड्यू टू पैक्टीन, और इसमें भी स्क्लेरेंकाइमा में भी क्या है, डिपोजिशन होता है बट ड्यू टू लिग्निन, और ये क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट, और हमारा ये जो स्क्लेरेंकाइमा वो क्या सपोर्ट करता है, आप यहाँ से लिखने की क्या है, हार्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, और आप इन दोनों के डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आप यहाँ से अपना जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच में लिख लेना बच्चों। ये आपकी जो आज की है वर्कशीट है बहुत ही छोटी है, ठीक है ना बच्चों। इससे पहले अगर आप जब पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपनी एनसीईआरटी या जो भी आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है उसमें से जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक आपका वर्कशीट में आया हुआ है उसको उसमें से भी आप पढ़िएगा, ठीक है ना। उससे आपका जो स्टडी है बहुत दुगनी हो जाएगी, समझ दुगनी हो जाएगी। और हमें ये जरूर रखना है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि जो आपको पता है COVID-19 चल रहा है, इसमें आपको जो अपने हाथ है रेगुलरली वाटर और सोप से धोने हैं। जहाँ पे भी बाहर जाएं, आप कभी भी बाहर जाएं, तो मास्क का हमेशा ध्यान रखें, मास्क हमेशा पहने वियर करें और 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें बच्चों। ये हमारी क्या है, आज की छोटी सी वर्कशीट है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ, ठीक है बच्चों। ध्यान से पढ़िएगा और अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी इसको पढ़िएगा। बाय बच्चों।